सदन में विधायक अपने अपने विधानसभा में समस्याओं को लेकर सरकार को अवगत कराते हैं। माना जाता है कि विपक्ष प्रदेश की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरता है और उस पर आरोप लगाता है। बुधवार को राजस्थान की विधानसभा में इसके उलट ही देखने को मिला। गहलोत सरकार के सलाहकार संयम लोढ़ा से लेकर कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आई। राजस्थान कांग्रेस के लिए 25 सितंबर की घटना भी सुरसा की बढ़ती हुई नजर आ रही है। बुधवार को एक बार फिर विधानसभा में 25 सितंबर का मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने अपने संबोधन के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें ताकतवर तेज तर्रार मंत्री बता दिया और साथ में धारीवाल के हाई कमान को आंख दिखाने का भी जिक्र कर दिया। इसके बाद सदन में कांग्रेस विधायकों ने इस बयान पर आपत्ति जताई तो पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान धारीवाल ने कहा कि उस दिन अंदर क्या हुआ था ये आपको मालूम नहीं है। वहीं राठौर ने जवाब दिया कि मैं हाईकोर्ट में मिलूंगा। दरअसल 25 सितंबर का वो दिन जब सचिन पायलट के सिर राजस्थान के सिंहासन का ताज सजने वाला था। इसके लिए 3 पर्यवेक्षकों को राजधानी जयपुर के लिए भेजा गया, मगर जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षकों की बुलाई गई विधायक दल की बैठक का गहलोत कैंप के विधायकों ने बहिष्कार कर दिया था और उसके बाद विधायकों के साथ मंत्री शांति धारीवाल के घर एक समानांतर बैठक हुई जहां 80 विधायकों के मौजूद होने का दावा किया गया और इसके बाद सभी विधायकों ने पायलट के सीएम बनाए जाने का विरोध करते हुए स्पीकर को इस्तीफा भी सौंप दिया। मामले को लेकर विवाद बढ़ा। पायलट दिल्ली पहुंचे, गहलोत को भी दिल्ली से बुलावा आया। दोनों की आलाकमान के सामने पेशी हुई तो वहां सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांग ली। सीएम लीडर हूं, वहां पर मुख्यमंत्री हूं और मैं उस प्रस्ताव के पास नहीं करवा पाया, कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत मैं प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। आपको बता दें, विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने घटनाक्रम को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद सुनवाई में पता चला कि 80 से अधिक विधायकों ने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए थे। विधायकों के इस्तीफे को लेकर सचिन पायलट भी कई बार आलाकमान से जांच करने की मांग उठा चुके हैं।